बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से वहां रह रहे हिंदुओं पर हो रहे हमलों की घटनाओं में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में कई मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं देखी गई। हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों पर भी हमले हो रहे हैं। अभी तक कई महिलाओं पर हमले और हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी से जुड़े दो हिंदू नेताओं की हत्या की भी खबरें आई हैं। कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतरिम सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस को सोशल मीडिया साइट एक्स पर बधाई देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण की अपील की थी। वहीं अब बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए शनिवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व वॉशिंगटन स्थित एक एनजीओ हिंदू एक्शन ने किया। एनजीओ हिंदू एक्शन ने न्यूयॉर्क में भी कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। रिपब्लिकन सांसद पैट फॉलन ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, मैं बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक हिंसा और धार्मिक उत्पीड़न की कड़ी निंदा करता हूं। मैं अंतरिम सरकार से बांग्लादेशी लोगों के साझा हित में कार्य करने और इस हिंसा को तुरंत समाप्त करने का आग्रह करता हूं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कूच बिहार के शीतलकुची बॉर्डर पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग सीमा पार करने के लिए सीमा पर इकट्ठा हो गए थे। हालांकि बीएसएफ ने उन्हें रोक दिया। आज भी वहां चौकसी बढ़ा दी गई है और बीएसएफ के जवान लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं।